हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग बात करते हैं भारतीय राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण तथ्य। आज मैं आप लोगों के समक्ष 30 ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य पेश करने जा रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। और मैं वन लाइनर क्यों दे रहा हूं, इसके पीछे भी कारण है कि कम समय में आप अधिक से अधिक चीज़ों को देख पाएँ वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और ये हेडमास्टर प्लस प्रधान शिक्षक और साथ ही साथ 67वीं BPSC या और CHSL, MTS ये सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। मैं समय के बचत के वजह से ही वन लाइनर पेश कर रहा हूँ दोस्तों। चलिए एक नंबर का स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। यदि वहीं पर मूल संविधान की बात यदि की जाए तो वहां पर 8 अनुसूचियां थी, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, कब? तो 1976 में। धर्मनिरपेक्ष या पंथनिरपेक्ष समाजवादी ये भी शब्द इसी के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत होना चाहिए। यदि आप एक नया राज्य बनाने वाले हैं तो संवैधानिक संशोधन करना पड़ता है और ये इसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत की नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा चौथा नंबर का सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया है। आपको मैं ये भी बता दूं कि 1 अप्रैल 2010 से ही जो है ये शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुआ है। और किस संशोधन के द्वारा? तो 86वीं संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को जो है आर्टिकल 21 का कॉ में जोड़ा गया है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद देखिएगा छठा नंबर का सवाल, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करते हैं। उसके बाद एक MP की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 2 माह या 30 दिन गायब रहे, ठीक है, बिना बताए बिना अनुमति के 60 दिन तक गायब रहने पर एक MP के सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। उसके बाद देखिएगा 8 नंबर का सवाल, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है दोस्तों, याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 10 नंबर का सवाल है, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। उसके बाद 11 नंबर का सवाल देखिएगा, राज्य सरकार का सरकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। भारत में चलित न्यायालय या मोबाइल कोर्ट का मानस पुत्र डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। उसके बाद अगला नंबर का देखिएगा 14 नंबर का सवाल है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा की गई है, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद देखिएगा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 है और आरंभ में भाषाओं की संख्या 14 थी। उसके बाद देखिएगा विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता द्वारा किया गया था। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सिफारिश किया था। उसके बाद भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया, यानी कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था दोस्तों। उसके बाद देखिए 18 नंबर का सवाल, भारतीय संविधान दिवस
26 नवंबर को मनाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में पूछा गया है। उसके बाद देखिए, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, यानी कि एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ पे वर्णित होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में होता है। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए 21 नंबर का सवाल, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है या उत्तरदायी होता है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग मात्र एक बार हुआ है और ये कौन से अनुच्छेद के माध्यम से होता है, तो 352। ये ऑडिटर का एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिएगा 23 नंबर का सवाल, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर अटॉर्नी जनरल परामर्श देता है, जिसको महान्यायवादी कहते हैं। ये आर्टिकल 76 के तहत होता है। संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। तो मैं आपको ये भी बता दूं, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा 25 नंबर का सवाल, चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं करता, तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है और वह जमानत खो बैठता है। उसके बाद लोकसभा के कम से कम 2 वर्ष में 2 सत्र बुलाया जाना अति आवश्यक है। उसके बाद देखिएगा 27 नंबर का सवाल, इसमें करा लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद 28 नंबर में देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 65 वर्ष है। उसके बाद किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये भी बात याद रखिएगा कि राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और आज का अंतिम सवाल शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। ये बार बार पूछा जाता है कि शिक्षा किस सूची का विषय है, तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। तो इस प्रकार आज हम लोग मात्र 7.5 मिनट में 30 सवाल को देख लिए। यही यदि ऑप्शन दिए होते तो निश्चित रूप से 14 मिनट का समय लग जाता दोस्तों। तो आपका एग्जाम चूंकि बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए आप सिर्फ वन लाइनर का रिवीजन कर लीजिए, जरूर कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।